Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing great and having a fabulous weekend. तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक पे टारगेट होने वाली है, अबाउट विच मीडियम आई यूज़ टू क्रिएट माई रेजन आर्ट. मैं जो हूँ आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि मैं कौन सी लकड़ी लेती हूँ टू क्रिएट माई टेबल पीसेज एंड वॉल पीसेज. तो यहाँ मैं आपको सर्वे करवा रही हूँ उस मार्केट का जहाँ से मैं ये सब सामान लेती हूँ. जो ये वाली पीस है, ये वाला जो है, इसमें ये एक इंच से डेढ़ इंच के, एक इंच या सवा एक इंच के करीब होती है और इस शीट से मैं जो हूँ टेबल टॉप बनाती हूँ. ये लेमिनेटेड वुड होती है और जिस जो ये ब्रांड है ये काफ़ी टॉप नॉच ब्रांड है और इनकी जो शीट्स होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती और जल्दी बेंड नहीं होती और पानी से भी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है. तो ये बहुत अच्छा है, अच्छी मेक है ये, अच्छी ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है. इसके अलावा मैं जो वॉल पीसेस है उसके लिए मैं 9-10 mm की शीट्स ख़रीदती हूँ और 9-10 mm जो मैं शीट लेती हूँ उससे उसके बैक साइड पर टू मेक इट मोर ड्यूरेबल मैं ये इस तरह के इन लकड़ियों के फ्रेम बनाती हूँ, फ्रेम बॉर्डर बनवाती हूँ. ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है ये, बहुत जगह आपने कारपेंटर्स वगैरह की दुकानों पे देखा होगा. तो मैं ये लकड़ी लेती हूँ, इसका मैं बॉर्डर बनाती हूँ. अब ये जो मशीन है इसको आरी बोलते हैं आम जबान में और ये जो मशीन है सिंपल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटने में यूज़ होती है. इसके अलावा इरेगुलर शेप अगर आपको कट करवाना है तो उसके लिए डिफरेंट तरह की मशीन होती है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं जो बात कर रही हूँ, जो अपने इनसाइट शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ टोटली माई ओन ओपिनियन. हो सकता है माइट बी पॉसिबल सम अदर आर्टिस्ट माइट डिफर फ्रॉम माई ओपिनियंस, बट ये मेरी मतलब जो मैं करती आ रही हूँ ये मैं वो शेयर कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैं घड़ी दिखा रही हूँ, वॉल क्लॉक है रेजिन की बनी हुई 2 feet की, ये बहुत कॉमन है. तो इस पे जैसे अगर मैंने राउंड 9 mm की शीट ली है तो मैं 9 mm का ही मैंने बॉर्डर इसकी बैक साइड पे लगवाया है. इट्स समथिंग वेरी कॉमन एंड वेरी इजी फॉर द कारपेंटर्स टू मेक. अगर आपके हाथ में शीट है, इफ़ यू हैव द वुड इन हैंड, तो आप ये ईजिली बनवा सकते हैं. कोई भी कारपेंटर या ईजिली कर सकता है. इस क्लिप में मैं आपको जो है 4x8 feet का पैनल दिखा रही हूँ और इसके पीछे जो बॉर्डर मैंने लगाया हुआ है ये वही बॉर्डर है जो प्रीवियस क्लिप में आपने देखा था, जो मैंने आपको लकड़ियाँ दिखाई थी ये वही लगी हुई हैं. देखिए रीज़न ये होता है कि मैं क्यों शीट्स पे वॉल आर्ट की जो शीट होती है मैं उसके पीछे क्यों बॉर्डर बनवाती हूँ, क्योंकि देखिए 9-10 mm का अक्सर औकात ये होता है कि वो ओवर टाइम बेंट हो जाती हैं, स्पेसिफिकली जब सर्दियाँ होती हैं और जब दीवारें ठंडी होती हैं तो उससे क्या होता है कि MDF ना थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है या बेंड हो जाती है. तो जब बॉर्डर्स लगे होते हैं ना तो वो उसको बेंड नहीं होने देता. अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर वॉल आर्ट पे बॉर्डर लगाएं, आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंगली होती है या आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि ये पैनल है, ये एक बड़ा आई थिंक 6 feet का पैनल था ये और इस पर मुझे ज़रूरत नहीं थी बॉर्डर लगाने की तो हमने नहीं लगाया. लेकिन हमने अपने क्लाइंट को पहले से बता दिया था कि इसको कीप इट स्ट्रेट, डोंट इसको बेंड करके नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ ये नुकसानदेह हो सकता है. अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा पीस दिखा रही हूँ, ये भी 44x44 inches का है और ये पूरा प्रेप है, इस पर रेजन होने वाला था. और यहाँ पर मैं ब्रीफ दे रही हूँ, दिखा रही हूँ कि ये जो है वॉल पीस, इस पर भी बॉर्डर कैसे लगे हुए हैं और इस पर भी हमने जो है वही लकड़ी लेके पीछे इस तरीके से प्रॉपर बॉर्डर बनाया हुआ है, पूरा पीछे फ्रेम बनाया हुआ है ताकि ये ओवर टाइम बेंड ना हो. देखिए इफ़ द कस्टमर इज़ यू नो हैविंग फुल फेथ इन यू एंड ही इज़ ट्रस्टिंग यू फॉर हिज आर्ट पीस, तो इट्स योर ड्यूटी नॉट टू जेपर्टाइज हिज आर्ट वर्क. और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको आप अपने क्लाइंट को ऐसा काम करके दें जो कि लाइफ टाइम रहे, फुल उसकी जो है ना गारंटी हो. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है और अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ता है. यहाँ पर मैंने एक टेबल टॉप बनाया था, यहाँ पे वही मैंने शीट ली है जो मैंने लेमिनेटेड वाली आपको दिखाई है और यहाँ पर उस लेमिनेटेड वाली शीट को हमने डबल करके थोड़ा मोटा करा था क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी. तो हमने उसको डबल करके सेंटर टेबल के लिए पीस बन रहा था. यहाँ पे मैंने मार्बल इफ़ेक्ट दिया है इन द यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्राउन्स एंड अर्दी टोन्स में, तो ये मैंने उस शीट पर बनाया है.
देखिए, इफ़ यू आस्क मी, तो मैं खुद जाके शीट ख़रीदती हूँ, खुद जाके अपने सामने जो है ना चीज़ें बनाती हूँ, एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ. बट इफ़ नॉट एवरी वन इज़ यू नो, सबके लिए इतना ईजी नहीं होता जाना और लकड़ी लेना, आई कैन अंडरस्टैंड दिस. लेकिन अगर आप भले नहीं जा रहे हो लकड़ी लेने, जो भी है कोई लेकर आ रहा है, कोई घर वाले लेकर आ रहे हैं या कारपेंटर लेकर आ रहा है, बट यू शुड नो विच मटेरियल टू गो फॉर. आपको पता होना चाहिए, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए कि कहीं आप एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर रहे, कहीं मेकिंग के ज़्यादा पैसे तो नहीं आपसे कारपेंटर ले रहा, या फिर आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कहीं वो ख़राब मटेरियल पे तो नहीं बना रहा. तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. जिसको भी कंपनीज के नेम मुझसे पूछने हैं कि मैं कौन सी कंपनी का लेती हूँ टेबल टॉप के लिए और वॉल आर्ट के लिए, तो मुझसे प्राइवेटली पूछ ले, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स यू नो एथिकल इनफ कि मैं उनके जो है यहाँ पे ब्रांड नेम लूँ. तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, तो आई कैन ईजिली यू नो टेल यू गाइज द नेम ऑफ ऑल द ब्रांड्स दैट आई यूज फॉर द शीट, MDF शीट. If you guys find this video informative enough, please share your reviews with me, comment करिए, सवाल करिए, और ये video को share करें अपने friends and family के साथ. I hope this video is beneficial for you guys, especially वो जो resin के अभी बिल्कुल beginners हैं और अभी resin जो हैं सीख रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लकड़ी लेनी चाहिए. एक और बात मैं यहाँ बताऊँगी कि मैं चिपबोर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे चिपबोर्ड बिल्कुल नहीं पसंद. अगर किसी को कोई मजबूरी है तो चलो प्रैक्टिस करने के लिए कर लिया तो कर लिया, लेकिन मैं चिपबोर्ड को पसंद नहीं करती. ये मैं आर्ट करने से पहले, ये 4x3 फीट का जियोड वॉल आर्ट बना रही थी मैं, ये मैंने प्रेप किया हुआ था पहले. और जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले जो काम करने से पहले जो होमवर्क कर लेती हूँ और कैटेगराइज़ कर लेती हूँ कि मुझे किस किस जगह कौन सा कलर डालना है, तो ये मुझे इजी लगता है बड़े, ख़ास तौर पे बड़े पीसेस के लिए. और ये जो है इसका जो फाइनल लुक है जो पीस मैं बना रही थी. तो या इफ़ यू गाइज़ फाइंड दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.